साथियों स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम दोस्तों आप सबको बताने वाले हैं कि काफ़ी सारे कैंडिडेट ने एक कमेंट कर रहे हैं कि हमने कलरफुल फोटो अपलोड कर दिए हैं, मेरा डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर से अपलोड नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस भर्ती आई थी उसमें। और मेरा जो बहुत सारे कैंडिडेट ने ये भी कमेंट किया हुआ था कि मेरे पास मार्कशीट ही सारा कुछ अपलोड कर दिए हैं, वो भी स्कैन करके, मेरे पास फाइनल सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं था। और कई सारे कैंडिडेट ने ये भी कमेंट किया हुआ था कि मैंने डिजी लॉकर से डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके और दोबारा उसको हमने स्कैन करके ही अपलोड कर दिया है, तो क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट के मन में काफ़ी सारे डाउट चल रहे हैं, वो घबराए हुए हैं, अच्छे से प्रिपरेशन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम सारा कुछ डाउट इसी वीडियो में ही करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है काफ़ी सारे कैंडिडेट की ये प्रॉब्लम हुई है। और दोस्तों सबसे पहले हम आपको बात करना चाहते हैं, अगर हमारा ये वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसा कि दोस्तों नोटिफिकेशन में ही बताया गया था डिजी लॉकर के बारे में, अगर डिजी लॉकर से अपलोड नहीं हो पा रही तो आप स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। अगर दोस्तों आपने सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट ही अपलोड कर दिए हैं, अगर दोस्तों आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, चाहे वह डिजी लॉकर से आप डाउनलोड करके लगाएं, चाहे वह डायरेक्ट ही दोस्तों स्कैन करके मार्कशीट ही अपलोड कर दिए, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो इसमें आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है, चाहे वह सर्टिफिकेट हो चाहे वह मार्कशीट हो। फाइनल दोस्तों वहाँ पर सर्टिफिकेट के बारे में ही बताया गया है, अगर आपने मार्कशीट ही अपलोड कर दिया है फिर भी आपकी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगी, चाहे वह डिजी लॉकर से ही डाउनलोड करके अपलोड कर दिए हैं उसमें भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डिजी लॉकर की जो डॉक्यूमेंट्स होती है वो भी ओरिजिनल के केसेस में ही आती है, आपकी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगी। लेकिन दोस्तों आपको लग रहा है कि मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, तो दोस्तों आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिए। मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोस्तों दोनों जरूरी है, लेकिन वहाँ पर सर्टिफिकेट मांगा गया था, ऐसा नहीं है कि आप मार्कशीट अपलोड कर दें तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। 110% दोस्तों हम आपको बता रहे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, आप बिंदास अपनी तैयारी कीजिए। अब दोस्तों फोटोग्राफ के केसेस में आ गया है, काफ़ी सारे कैंडिडेट ने ये भी कमेंट किया हुआ कि मेरा जो फोटोग्राफ था वो हमने कलरफुल में दोस्तों हमने फोटो को अपलोड कर दिए हैं, बाकी वहाँ पर मांगा गया था कि लाइट और ग्रे यानी कि हल्की दोस्तों आपकी सफ़ेद कलर में होगी तो चल जाएगा। चलिए दोस्तों वो भी हमको दिखा देते हैं, आखिरकार फोटो के बारे में क्या बताया गया था कि चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए दोस्तों, जो दोनों कान होती है वो सही दिखनी चाहिए, चश्मे के साथ कैप के साथ, और दोस्तों आपकी दोनों आँख होती है क्लियर दिखनी चाहिए, दोनों शोल्डर क्लियर दिखनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखनी है फोटो में। और नामकरण जो 6 महीने पुरानी अगर आपकी फोटो है तो यहाँ पर बोला गया कि 6 महीने पुराना नहीं देनी है, मतलब यहाँ पर बताया गया कि सफ़ेद एंड हल्के ग्रे रंग की। अगर दोस्तों आपने कलरफुल फोटो अपलोड कर दी है, सफ़ेद और ग्रे रंग की फोटो आपने अपलोड नहीं की, जो आपकी फोटो की बैकग्राउंड होती है, तो इसमें भी आपकी कोई भी डरने वाली बात नहीं है। अधिकतर फॉर्म में आप देखते होंगे दोस्तों आप कलरफुल फोटो जो भी मन करते हो वो भी अपलोड करते हैं, फाइनल एक्सेप्ट हो जाती है। लेकिन यूपी पुलिस में जो दोस्तों जितनी भी भर्ती आती है सारा कुछ बताया गया है कि सफ़ेद और ग्रे चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका फोटो क्लियर दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, दोनों शोल्डर दिख रहे हैं, दोनों ईयर और दोनों बात करें दोस्तों दोनों आपकी कान दिख रही है, तो इसमें आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फाइनल एक्सेप्ट हो जाएगा। ऐसा दोस्तों फॉर्मेलिटी के लिए बताया जाता है कि ग्रे कलर की और सफ़ेद कलर की होनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने कलरफुल फोटो अपलोड कर दिए हैं और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं, जो कि आपके मन में काफ़ी सारे डाउट चल रहे थे डॉक्यूमेंट्स और फोटो के रिलेटेड, सारा कुछ दोस्तों क्लियर हो चुका। अगर दोस्तों हमारा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल करके सब्सक्राइब करके जरूर लीजिएगा। जय हिंद साथियों।